हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जाइए स्टडी। दिस इज़ योर टीचर अनूप तिवारी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने मम्मी पापा का ख्याल रख रहे होंगे और अपने एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और अगर आप लोग CSEB की एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता होगा कि कल से हमारा विद्युत बैच स्टार्ट हो रहा है। डेली बेसिस पे आप लोगों की क्लासेस होंगी, जिसमें मिनिमम 6 घंटे की क्लासेस होंगी और मैक्सिमम 8 आवर्स तक वो क्लासेस आप लोगों की जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, डेली बेसिस पे 2 सब्जेक्ट अल्टरनेटिव आपका चला करेगा। तो कल सुबह 7 बजे से आप लोगों का जो विद्युत बैच है वो स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कृष्णा सर आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करा रहे हैं और जो आपके आनंद सर हैं वो शाम को 4 बजे आपकी कंट्रोल की क्लासेस लेंगे। जो क्लासेस होंगी वो आपकी 7 से 11 बजे तक चलेंगी जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की है, और जो कंट्रोल की क्लासेस होंगी वो 4 से 8 बजे तक का उसका विंडो है। फ्रेंड्स, तो मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि डेली बेसिस पे मिनिमम 6 घंटा और मैक्सिमम 8 घंटे की क्लासेस आपकी हुआ करेंगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्या इंपॉर्टेंट बात बताने आया हूँ, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ, जो आप थंबनेल में भी देख रहे थे और यहाँ पर भी देख रहे थे, कि आज हमारे बैच 1 का जो बुकिंग है वो क्लोज हो रहा है। यहां पर लिखा भी है फ्रेंड्स, CSEB विद्युत बैच 1 बुकिंग क्लोजिंग। अब ये क्या है सर, ये इसे आप हमें क्या बताना चाहते हैं? देखिए, मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जब विद्युत बैच हमारा लॉन्च हुआ था तो जितने भी बच्चे इस बैच में एनरोल कर रहे थे वो सारे के सारे बच्चे बैच 1 का हिस्सा हैं, वो सारे के सारे स्टूडेंट बैच 1 में हैं, और वो जो कल जो आप लोगों का ये सेशन स्टार्ट हो रहा है, इस सेशन में वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और जो कंट्रोल है उसको पढ़ाई करेंगे। ठीक है, जो ये दोनों सब्जेक्ट है इसका एक टाइमलाइन दिया गया है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप लोगों का नोटिफिकेशन इस मंथ आता है, ठीक है, जो कि 110% चांस है कि आएगा, तो आप लोगों का एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली नवंबर लास्ट वीक या दिसंबर फर्स्ट वीक तक आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों के पास 3 महीने से ज्यादा का विंडो नहीं रहेगा। तो अगर आप लोगों के पास सिर्फ 3 से 3.5 महीने का विंडो है, तो विद्युत बैच में आपके सारे सिलेबस को 3 महीने के अंदर ही खत्म कर दिया जाएगा, और इसीलिए पैरेलली 2 क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो अगर आप लोग अभी भी बैच 1 का हिस्सा नहीं बने हैं, तो आज लास्ट डेट है बैच 1 में पार्टिसिपेट करने के लिए, आज लास्ट डेट है विद्युत बैच का हिस्सा बनने के लिए। अगर आज भी आप लोग किसी भी कारण से यहां पर विद्युत बैच को एनरोल नहीं कर पाते हैं, तो दूसरा मौका जो आपको मिलेगा वो आफ्टर 15 डेज मिलेगा। 15 डेज का मतलब है कि यहां पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और जो कंट्रोल की क्लासेस है वो खत्म हो जाएंगी। तो आप लोग मुझसे ये सवाल पूछ सकते हैं, तो सर क्या हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल नहीं पढ़ पाएंगे क्या 15 दिन के बाद? नहीं, ऐसा नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होगी फ्रेंड्स, हर दिन आप लोगों की 15 दिन तक अगर मैं 6 घंटे की क्लास लेके चलूं, तो 90 आवर्स आप क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, आप पीछे हो जाएंगे। 90 आवर्स आप पीछे हो जाएंगे, 90 to 120, अगर मैं एग्जैक्ट आपसे कहूं तो 90 से 120 घंटा आप पीछे हो जाएंगे। और वो सारे के सारे वीडियोस रिकॉर्डेड फॉर्म पर आप लोगों के ऐप पर अवेलेबल होंगे। तो अगर 15 दिन के बाद आप एनरोल करते हैं, तो 15 दिन के बाद 2 और सब्जेक्ट होंगे आपके जो स्टार्ट हो जाएंगे, वो डिपेंड करेगा, वो टाइम के साथ पता चलेगा। तो वहां पर 6 से 8 घंटे की क्लास, फिर ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ये देखने में आपको बहुत हेक्टिक होगा। डेली बेसिस पे आपको इसको मेंटेन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, रिविजन करने में आपको प्रॉब्लम होगा फ्रेंड्स। ऑल्दो अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, बट मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आज लास्ट डेट है बैच 1 में एनरोल करने के लिए, तो बिना अब टाइम वेस्ट किए यहां पर एनरोल अब आप कर लीजिए। एक एस्टोनिशिंग फिगर देता हूं आप लोगों को, 400 से ऊपर बच्चे, ठीक है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, आई थिंक 454 बच्चे हैं, बट स्टिल मैं एक सेफ मार्जिन लेके बता रहा हूं कि ऑलरेडी 400 से अबव स्टूडेंट्स हमारे बैच 1 में एनरोल कर चुके हैं। और हम जानते थे कि मिनिमम 500 एनरोलमेंट होगा, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, बहुत सारे बच्चे नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। बट मैं आपको यहां पर एक बात बता देता हूं, अगर आप नोटिफिकेशन का वेट करते रहेंगे ना बेटा, तो आप वेट करते ही रह जाएंगे, उसके बाद आप कब स्टार्ट करेंगे, फिर आप सोचेंगे मैं खुद से तैयारी कर लेता हूं, और वो तैयारी कभी आपकी पूरी हो नहीं पाएगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें जो हमारा एनरोलमेंट जो फीस है 4,500, वो बहुत ज्यादा लग रहा होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने उस समय भी जब ये
कोर्स लॉन्च हुआ था तो ये 2500 का कोर्स था, फिर ये 3000 का कोर्स हुआ, फिर 3500 का कोर्स हुआ, तो उस समय भी आपने इसको बाई नहीं किया। तो अगर मैं आपसे शुरू में ही बोलता था कि अगर आप लेट करेंगे तो ये फीस आपकी बढ़ जाएगी, तो अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आप आज इसको एनरोल करते हैं तो ये कोर्स आपको 4000 रुपीज में अवेल हो जाएगा, और आप जितना लेट करते जाएंगे ये जो 500 का डिस्काउंट है ये बाद में बढ़ जाएगा फ्रेंड्स, तो इसको अब और ज्यादा लेट आप मत होने दीजिए, ठीक है? कोई बात नहीं, 1500 रुपए आप कंपेयर टू द 100 स्टूडेंट्स, जो शुरू के 100 स्टूडेंट्स से उससे ज्यादा दे रहे हैं, बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 3000 और 3500 रुपए भी पे किया है। तो यहां पर अब आप लोग पैसे के बारे में मत सोचिए, नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, जल्दी से जल्दी हमारा जो विद्युत का बैच 1 है उसमें एनरोल कर लीजिए, क्योंकि बैच 2 अब आप लोगों का 15 दिन के बाद स्टार्ट होगा, तो 15 दिन बाद ही आपको मौका मिलेगा। लेकिन तब तक क्या होगा फ्रेंड्स कि बहुत सारा आपका टॉपिक कवर हो जाएगा, 2 सब्जेक्ट आपके खत्म हो जाएंगे, 2 और सब्जेक्ट आपके पैरेलली स्टार्ट हो जाएंगे, तो वहां पर आप लोगों के ऊपर थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा, थोड़ा सा लोड बढ़ जाएगा, ठीक है? तो यहां पर मैं आप लोगों को फिर भी यहां पर क्लियर कर देता हूं, अगर आप ये कोर्स को खरीदना चाहते तो क्या करेंगे, आप लोग गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे और ये जो ऐप आपको दिख रहा है ना फ्रेंड्स, जेनिक लर्निंग ऐप, इसको आप लोग डाउनलोड करेंगे, ठीक है? जैसी जेनिक लर्निंग ऐप को आप ओपन करेंगे, वहां रजिस्ट्रेशन मांगेगा आपसे, नाम मांगेगा, आपका पता मांगेगा, आपका स्टेट मांगेगा, आपका जीमेल आईडी मांगा जाएगा, ये कुछ बेसिक से इंफॉर्मेशन आपसे मांगा जाएगा, और जैसी आप रजिस्टर कर लेंगे फ्रेंड्स उसके बाद आप आ जाएंगे यहां पर फ्रेंड्स, ये आपका क्या है फ्रेंड्स, पेड कोर्सेज, क्योंकि दिस इज अ पेड कोर्स। तो जैसे ही पेड कोर्स आप लेंगे फ्रेंड्स, तो पेड कोर्स में आपको जाना है स्टेट AEJEE एग्जाम्स में, और वहां पर विद्युत बैच में आप एनरोल कर लीजिएगा अपने आपको। जाने से पहले, इस वीडियो को एंड करने से पहले, मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं। वो बात ये है फ्रेंड्स कि आप लोगों के जो CSEB जो JEE की पोस्ट निकलेगी वो कितनी पोस्ट आएगी, अप्रॉक्सीमेटली 350+, जिसमें इलेक्ट्रिकल होगा, सिविल होगा और मैकेनिकल होगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वालों की किस्मत थोड़ी अच्छी रही तो 5-10 पोस्ट उनके लिए भी यहां पर निकाला जाएगा। लेकिन एक बात बता दूं फ्रेंड्स, यूट्यूब में और भी जगह है जहां पर ऐसे कोर्स आपके दिए जा रहे हैं रिगार्डिंग CSEB, तो अगर आप यूट्यूब में जितने भी पेड स्टूडेंट्स को काउंट करेंगे तो वो पेड स्टूडेंट्स हो सकता है मोर देन 1000 हो, लेकिन सीटें कितनी है फ्रेंड्स, सीटें हैं सिर्फ आपकी 350। तो यहां पर आपको एक बात समझना होगा कि अगर आप खुद से प्रिपरेशन करने की बात सोच रहे हैं कि मैं खुद से पढ़ के ये पेपर निकाल लूंगा, मुझे लग रहा है आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि यहां पर यह नहीं है कि अगर यहां पर हमारे पास भी यहां पर 400+ स्टूडेंट्स हैं, बट हर किसी को पता है कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट 100% रिजल्ट नहीं देता है, मैक्सिमम रिजल्ट देने की कोशिश करता है। तो यहां पर भी हम कोशिश करेंगे कि हम अपने 60-70% बच्चों को कन्वर्ट कर सकें, लेकिन उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये कोर्स आप लोग जरूर खरीदें, क्योंकि अगर ये कोर्स आप नहीं खरीदेंगे ना तो खुद से आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपको पढ़ना कितना है, आपको क्या क्या चीज यहां पर करनी है, कैसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है, और यहां पर नॉन टेक्निकल पार्ट है वो भी पढ़ाया जाएगा। एप्टीट्यूड मैं आपको पढ़ाऊंगा, रीजनिंग रोहित सर आपको पढ़ाएंगे, और इसके साथ आपको जो नॉन टेक का जो करंट अफेयर्स है, जो GK वाला पार्ट है, वो भी एक टीचर आ रहे हैं 16 से 17 तारीख को, उनकी लॉन्चिंग है, वो भी आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छे टीचर है, वो आपको पूरा नॉन टेक में GK GS पढ़ाने वाले हैं, ठीक है? तो यहां पर अब आप और देर मत करिए, आज लास्ट डेट है, इसको आप एनरोल करिए, विद्युत बैच का पार्ट बनिए, और कल सुबह 7 बजे से रेडी रहिए, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आप सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे, थैंक यू सो मच।